क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे छोटा युद्ध कब हुआ था, और एक ऐसा पहाड़ जिस पर 200 लाशें हैं, और एक ऐसा देश जहां मरे हुए इंसान से भी शादी की जा सकती है, और एक ऐसा जानवर जो अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। जानेंगे सब कुछ, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। फैक्ट नंबर 10, दुनिया की सबसे महंगी स्कॉच विस्की मैकलन सिंगल मॉल्ट है। इसके एक बोतल की कीमत 29 लाख रुपए है। यदि आप शराब के शौकीन हैं, तो इसे एक बार खरीदने की सोचिए। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि एक चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक भार उठा सकती है? इसके अलावा यदि एक चींटी का वजन एक आदमी के बराबर हो जाए, तो वो कार के रफ्तार से 2.5 गुना तेजी से दौड़ सकती है। फैक्ट नंबर 8, इतिहास का सबसे छोटा युद्ध साल 1896 में इंग्लैंड और जांजीबार के बीच हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने जांजीबार को केवल 38 मिनट तक चले युद्ध के बाद आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा जाम 2010 में चीन के शंघाई शहर में लगा था। ये जाम 100 किलोमीटर से भी अधिक लंबा था और यह जाम 12 दिन तक रहा था। फैक्ट नंबर 6, कुछ ही लोगों को पता होगी कि अमेरिका के अलास्का राज्य में तलकितना में एक बिल्ली मेयर बनी, वह भी पूरे 15 साल तक अपने पद कायम रही। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में मृत व्यक्ति से भी शादी की जा सकती है, लेकिन आपको शादी करने से पहले ये सबूत देना होगा कि वो मृत व्यक्ति भी उससे प्यार करता था और शादी करना चाहता था। फैक्ट नंबर 4, अगर आप अपनी छींक को रोकने की कोशिश करते हैं, तो आपके सिर या गले की रक्त वाहिका फटने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 3, मृत चींटी में से खास तरह का एक रसायन निकलता है, जिससे अन्य चींटियों को मृत होने का पता चलता है। यदि वह रसायन किसी जिंदा चींटी पर भी गिर जाता है, तो चींटियां उसे भी मृत मानकर वहां से उठा लेती है। फैक्ट नंबर 2, गोबर भ्रंग ही एक ऐसा जीव है जो संचालन करने के लिए मिल्की वे का इस्तेमाल करता है। जब वो भारी टुकड़ों को लेकर जाते हैं, तो सही दिशा में जाने के लिए वह तारों की तरफ देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, हिमालय पर्वत पर 200 लाशें हैं, जिनको एक तरह से निशानों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे अंदाजा लगाया जाता है कि यह कौन सी जगह है और हम चोटी से कितनी दूर हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।